हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीमा और कुक विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियों का मौसम आ गया है तो आलू गोभी की सब्जी तो हर घर में बनाई जाती है, तो आज मैं आपके लिए आलू गोभी की मसालेदार सूखी सब्जी की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। इसे आप रोटी पूरी या पराठे के साथ खा सकते हैं, इसे आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं आलू गोभी की सूखी सब्जी के लिए हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उसमें यहाँ मैंने 3 टेबलस्पून तेल डाल दिया है। तेल हमारा गरम हो जाएगा तो यहाँ मैंने एक छोटी सी गोभी के फ्लोरेट्स अलग कर लिए हैं और इसे मैंने थोड़े बड़े पीसेस में ही रहने दिया है और इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए भुनेंगे। तो अभी मैंने गैस का फ्लेम तेज़ रखा है और इसको एक बार अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तेज आंच पर गोभी को भुनने से इसमें बहुत ही अच्छा ब्राउन स्पॉट आ जाता है और इस तरह से हमारा गोभी बहुत अच्छे से फ्राई होगा। तो 5 मिनट खुले में भुनने के बाद अब मैं इसका ढक्कन बंद करके इसे गैस का फ्लेम मीडियम करके 5 मिनट तक पकाऊंगी, जिससे गोभी हमारी थोड़ी सी पक जाएगी। 5 मिनट बाद गोभी हमारी हल्की सी पक के तैयार हो गई है, तो इस स्टेज पर इसमें हम आलू डाल देंगे। यहाँ मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू के लंबे लंबे वेजेस जैसे काट लिए हैं और आप आलू और गोभी को किसी भी शेप और साइज़ में काट के तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने गोभी के साइज़ बड़े रखे थे, इसीलिए इसे मैंने पहले 5 मिनट के लिए भून लिया है, जिससे एक ही साथ आलू और गोभी अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। और एक बार फिर से हम ढक्कन बंद कर मीडियम फ्लेम पर इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला है तो इसलिए हम गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो पे रखेंगे और 5 मिनट बाद ढक्कन हटाकर एक बार फिर से इसे हम चला देंगे। और चलाकर एक बार फिर से हम ढक्कन बंद करके इसे 5 मिनट के लिए पकाएंगे। हलवाई जब आलू गोभी की सब्जी इस तरह से बनाते हैं तो वो आलू और गोभी को डीप फ्राई कर लेते हैं, पर यहाँ मैंने बहुत कम तेल का यूज करते हुए ही हम आलू गोभी को फ्राई कर लेंगे और इस तरह से भी इसमें वही फ्लेवर ऐड हो जाएगा। तो 5 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया और आलू गोभी हमारी अब पक के तैयार लग रही है। तो हम एक फॉर्क लेकर और इसको चेक कर लेंगे। तो ये देखिए, आलू हमारी पक गई है। अब गोभी भी हम टेस्ट कर लेंगे, गोभी भी हमारी पक गई है। तो अब हम इसे खुले में 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे, जिससे आलू पे बहुत ही अच्छा ब्राउन कलर आ जाएगा। तो आलू और गोभी के जिस पार्ट पे ब्राउन कलर आ गया है उसे आप ऊपर की तरफ कर दें और जिस पे नहीं आया है उस हिस्से को आप पैन के साथ लगे रहने दें, तो इस तरह से वो पार्ट भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आलू गोभी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो आलू गोभी फ्राई करके मैंने प्लेट पे निकाल लिया है। तो चलिए इसका हम मसाला तैयार करते हैं। मसाला तैयार करने के लिए हम 2 चम्मच तेल लेंगे और तेल हमारा गर्म हो गया है तो इसमें हम एक चुटकी हींग और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरों को एक बार मिक्स कर देंगे। जीरा हमारा स्प्लेटर हो गया है तो इस स्टेज पर यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के प्याज का पेस्ट तैयार कर लिया है, वो डाल देंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट तक के लिए भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट प्याज भूनने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अदरक और लहसुन ग्रेट किया हुआ डाल देंगे और इसे भी हम 1 मिनट के लिए भून लेंगे। तो प्याज अदरक लहसुन हमारा भून के तैयार है। तो इस स्टेज पर यहाँ मैंने 2 मीडियम साइज के टोमेटो की प्यूरी कर ली है तो हम वो डाल देंगे एक बार मिक्स करके। फिर इसमें हम नमक, धनिया पाउडर 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। आप अपनी पसंद के अनुसार लाल मिर्च की क्वांटिटी ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जब तक मसाले तेल छोड़ने ना लगे हम तब तक भुनेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मसाले हमारे तेल छोड़ने लगे हैं तो इस स्टेज पर हम फ्राई किया हुआ आलू और गोभी इसमें डाल देंगे।
और इसे हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ज़्यादा मिक्स नहीं करें, नहीं तो गोभी के पीसेस हमारे टूट जाएंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करके, और यहाँ पर इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून पानी दे रही हूँ, जिससे कि मसालों के साले फ्लेवर आलू गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। और इन्हें हम मिक्स कर देंगे। और इस स्टेज पर इसमें हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और धनिया पत्ता डाल देंगे। और एक बार फिर से मिक्स करके ढक्कन बंद करके गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, जिससे सारे मसालों के फ्लेवर आलू गोभी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो 2 मिनट पकाने के बाद ढक्कन खोलकर, और इसे हमें 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक के जूलियंस इसमें हम डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड हो जाता है, और लास्ट में हरी मिर्च डालने से उसका कलर चेंज नहीं होता और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट और क्रिस्पी लगती है। तो 2 से 3 मिनट पकाने के बाद, जैसा कि आप देख रहे हैं, आलू गोभी हमारी अच्छे तरह से भून गई है। और इसे अब हम ढक्कन हटाकर 1 से 2 मिनट तक के लिए भून लेंगे, जिससे कि ये अच्छे से एक बार फिर से फ्राई हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आलू गोभी की स्वादिष्ट सूखी सब्जी बन के तैयार है। तो इसे अब हम एक प्लेट पे सर्व करने के लिए निकाल लेंगे। तो देखा आपने कितनी आसानी से हलवाई स्टाइल आलू गोभी की सब्जी हमने बहुत ही कम तेल का प्रयोग करते हुए घर पे बना के तैयार कर ली है। तो ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप रोटी, पूरी, पराठा या फिर चावल दाल के साथ भी सर्व करें। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर आपसे ऐसी ही एक नई सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।